हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुके क्लास 12th फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न और भी PDF के साथ। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक क्लास में पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न और भी PDF के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका हम PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, उसमें आपको दो लिंक मिलेगा, एक आपको मिलेगा बहुविकल्पी से लेकर के आपके लघु उत्तरी प्रश्न तक का, एक आपको उसमें PDF मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का जो अलग से मिलेगा। ठीक है, दोनों लिंक साथ ही रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड करके रहेगा, दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस अध्याय का पूरी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने बहुविकल्पी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इससे बहुविकल्पी बनते हैं। तो दोस्तों, जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके, फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल ही चुका है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए नंबर है मेरा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत चलता एप्सिलॉन नॉट SI मात्रक क्या होता है। देख सकते हैं कि 12, 14, 15 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ बहुत सारे बहुविकल्पी पहले क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ हूँ। ठीक है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 124 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध आपको ज्ञात करनी। ये 19-20 दो साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो चौथा आपका सही हो जाता है। तो आज हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। और देखिए, हम कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसको तो आप पहाड़े के तरीके से याद करिए। दो तीन टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें ऑप्शन मिलता है आपको न्यूटन पर कूलम, इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो जूल पर कूलम जो होता है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे कई बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम ये भी है, वोल्ट पर मीटर ये भी है, और ये आपका जूल पर कूलम पर मीटर ये भी, यानी तीनों है, बस खाली तीसरा वाला आपका नहीं है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, जूल पर कूलम पर मीटर, ये तीनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, देख सकते हैं कि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 17, 18, 19, 20 में, और ये 2021 में भी आएगा। तो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर पर टिक मत करिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके मिल जाते हैं बहुविकल्पी में। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछेगा। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इसमें छोटे छोटे आपके परिभाषाएं मिलेंगे और छोटे छोटे यहाँ पर आंकिक प्रश्न मिलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, वो भी सोल्यूशन के साथ मैंने इसको बनाया हुआ हूँ, और आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी कमेंट कर रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक आपको लिखना है। 2015, 16 और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या उसके अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर इसे प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपन क्यू नाट होता है, और जो क्यू नाट होता है ये हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, मात्रक तो आप सभी जानते हैं न्यूटन पर कूलम ही होता है सूत्र के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों इसमें आंकिक प्रश्न यहाँ आप आ जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ हूँ, या तो आपको स्टडी नॉलेज पे ये सब क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट में करवा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं फाइव बराबर बंद समाकलन, ये है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी होता है, इसको आप आपस में चेंज मत करिएगा। ठीक है, ये आपको होता है। और इसके बाद दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमित सूत्र लिखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने सेलेक्ट किया हुआ हूँ। ठीक है, और ये देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 13, 14 और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब कुछ यहाँ पर कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश आपको दे रखा है, इतना वोल्ट पर मीटर, पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी दिया,
और कहता है कि इतने से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स यानी फाई की आपको गणना करनी है। तो फाई बराबर आप सूत्र जानते क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, बस सिर्फ क्या करना है इसमें डॉट गुणन करा देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंकी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर गॉस का नियम पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ हूँ, ठीक। और ये देख सकते हैं गॉस की प्रमेय क्या है और इसका सूत्र बताइए। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही आपका गॉस का प्रमेय होता है। और यहाँ पर आप इसका डिटेल यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, कि क्लोज इंटीगर इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू या क्यू अपॉन ε0, यही आपका गॉस का नियम होता है, ठीक है। इसके बाद आप बात करें दोस्तों तो आपका आ जाता है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं और दोस्तों आपको बताते चले कि अब रोज़ एक अध्याय का हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जैसे कि आप सभी कमेंट कर रहे थे और वो भी PDF के साथ। तो क्लास को रोज़ रेगुलर देखिएगा, ये बात भी मत कहिएगा सर हमें PDF नहीं मिला या किस तरीके से PDF नहीं मिला। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि क्लास को जो है वो आप रोज़ देखा करिएगा। वैसे भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हमारे जुड़े होंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन चला जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हैं सब अब सिर्फ इतना 15 दिन जो चलेगा सिर्फ PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो अध्याय वाइज करेंगे ताकि आप वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही पहले कर लेते हैं, बाकी फिर हम इम्पोर्टेंट क्लास बताएंगे और उसके बाद गेस्ट पेपर भी आप लोगों को सरल करवाएंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व आपको दिया हुआ है, इतना तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। 19-20 दो साल से ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 2021 में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको 3 अंक में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, तो 3 अंक में यहाँ पर हमने 1 या 2 क्वेश्चन जो है आंकी का ही सिलेक्ट किया हुआ हूँ और यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिएगा। और 18-19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और इसका सलूशन मैंने दे रखा है। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और ये क्वेश्चन आपको 2015 और 2019 और 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वैद्युत फलक के बारे में आप लोग जानते होंगे और इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बताते चले कि मैंने जैसा कि पिछले क्लास में इससे मैंने रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि पूरे अध्याय में 30% जो क्वेश्चन है इसी अध्याय से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सभी प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, उसमें टोटल 11 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके दीर्घ के, जो कि 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 11 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर साल पूछा जा रहा है। आपको देखेंगे यहाँ पर पूरा वो सन बाई सन दिया रहेगा, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जैसे कि आप एक अनजान रास्ते पर अगर जाएंगे तो पहले एक बार नहीं जा पाएंगे, फिर पूछते पूछते जाएंगे, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, फिर जाना शुरू कर देंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो एकदम वीक हैं, अब तक पढ़े नहीं, तो उसको आप भाई 2-4 बार लिख लिख कर याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपसे, ठीक है। अभी बहुत समय है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग दोनों लिंक यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी कि आप यहाँ से PDF फर्स्ट के नाम से रहेगा तो आपको बहुविकल्पी से लेकर के लघु तक मिलेगा, और PDF सेकेंड के नाम से जो रहेगा उसमें सिर्फ दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। और वो दो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है दोस्तों उसका हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और बाकी उसका जो डेरिवेशन है आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में खोज सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक जो स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में कम से कम 20 छात्रों में जरूर शेयर करिएगा और 20 छात्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो भी स्टूडेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लासेस चलें वो आप तक या और स्टूडेंट तक पहुँच सके, ठीक है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।